ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 24 अप्रैल 2022 रविवार का दिन है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। श्रवण नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो पश्चिम दिशा में रहेंगे, इसलिए पश्चिम दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी साबित होगा। अगर किसी कारणवश पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो पान खा करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। राहुकाल जो कि शाम को 4:30 बजे से शुरू होकर के 6 बजे तक रहेगा। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए। हालांकि राहुकाल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग अथवा कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहुकाल कई क्षेत्रों में माना जाता है और कई क्षेत्रों में नहीं भी माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर के यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मेष राशि में, वहीं चंद्रमा मकर राशि में, मंगल ग्रह कुंभ राशि में, बुध ग्रह मेष राशि में, देवगुरु बृहस्पति जो कि मीन राशि में, शुक्र ग्रह कुंभ राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मेष राशि में तथा केतु तुला राशि में विराजित रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक एवं मकर ये 5 राशियां सबसे अधिक भाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। धन लाभ के साथ साथ कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति के भी उत्तम अवसर इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 राशि वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आत्मविश्वास और उम्मीदों से भरा दिन है। कुछ नए अनुभव आपको होंगे। बड़ा सपना देखें और अपने मन पर भरोसा रखें। बातचीत और किसी को कोई बात समझाने के मामलों में लोगों पर आपका प्रभाव पड़ेगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। कामकाज के बजाय काम करने के तरीकों पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। कोई बड़ा फायदा होने के संकेत मिलेंगे। कोई महत्वपूर्ण लोग आपसे चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होगी। बड़ी और जरूरी कामों की प्लानिंग आज आप बनाएंगे। उपाय के रूप में गाय को पानी पिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। यात्रा का योग बन सकता है या यात्रा की चर्चा बनेगी। आपके दिमाग में कई प्रकार की जबरदस्त योजना आ सकती है जिससे आने वाले दिनों में आपको लाभ मिलेगा और योजना के अनुसार काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे और कुछ जिम्मेदारी भरे काम भी आपको मिल सकते हैं। परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा। घर या घर से जुड़े कामों में परिवार की मदद मिलेगी। कोई अतिथि आगमन की सूचना आपको मिल सकती है। घर बदलने या घर में सुधार करने का यदि कोई कार्यक्रम है तो उसके लिए दिन अच्छा है। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात तथा चर्चा होगी और कोई अधूरा काम यदि है तो वह भी पूरा हो जाएगा। और उपाय के रूप में तुलसी जी के पास में यदि धूप बत्ती आप जलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। पैसों को प्राप्त करने के लिए आप उपाय करेंगे, यानी आर्थिक तंगी को दूर करने का विचार आप करेंगे। इसमें कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। कोई काम रुकेगा नहीं। रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने का योग है। मेहनत से पैसा आपको प्राप्त होगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ाने की कोशिशों में कोई असर आप नहीं छोड़ेंगे तथा आप सफल भी हो जाएंगे। दिन आपके लिए अच्छा है। महत्वपूर्ण मामलों को लेकर अच्छी खबर आपको मिल सकती है। मकान या दुकान पर धन लाभ होगा। हर काम को दिल खोल कर करें और नए अंदाज से करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र में उन्नति और प्रगति के संकेत भी आपको प्राप्त होंगे। उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दिनचर्या में परिवर्तनकारी स्थिति निर्मित होगी तथा खुद को भाग्यशाली आप महसूस करेंगे। कैरियर में कुछ नए मौके आपको मिलने वाले हैं। नौकरी बदलने का यदि विचार आप कर रहे हैं तो उसके संकेत आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि व्यवसाय करते हैं तो वहां पर अपने पार्टनर के साथ मिलकर के कोई नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। खर्चों में कटौती करने के आपको अवसर मिलेंगे। उनका प्रयोग आपको करना चाहिए और प्रेमी के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। भावनात्मक तौर पर आपको जो कमजोरी है वह आपकी समाप्त हो जाएगी। उपाय के रूप में यदि आप
थोड़ा सा चंदन अपने सिर के ऊपर लगाएंगे मस्तिष्क पे, तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। जीवन में संतुलन रखने की कोशिश करेंगे, नए और खास लोगों से चर्चा होगी, अपने कामकाज के दायरा को बढ़ाने की आप कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपका ज्ञान बढ़ाएंगे, किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खुद को साबित करने में आप लगे रहेंगे, बड़ी योजना के लिए कोशिश करेंगे, दिन अच्छा है, कहीं से ऊर्जा मिलने की आपको जो है कोशिश रहेगी, या कोई ऐसा सकारात्मक संदेश आपको प्राप्त होगा जिससे आपको अच्छा महसूस करेंगे तथा आप कार्य करने के लिए उत्तेजित रहेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है, उपाय के रूप में हरी सब्जी खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपका ध्यान काम पे ऊपर रहेगा और लक्ष्य बनाकर यदि काम करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जो काम की तलाश में हैं। रोजमर्रा के काम आपके पूर्ण हो जाएंगे। जो काम निपटाने में आप बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे या काम हो नहीं पा रहा था, वो दूसरों की मदद से संपन्न हो जाएगा। दिन फायदे वाला है। छोटी छोटी कोशिश करने से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में यदि एक फूल चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। कामकाज में व्यस्तता आपकी अधिक रहेगी। किसी एक काम या प्रोजेक्ट पर जरूरत से ज़्यादा जोर देंगे तो वह काम आपका पूरा हो जाएगा। नए लक्ष्य बनाएं और कोशिश शुरू कर दें। कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ अधिकारी आपसे मदद मांग सकते हैं। किसी काम की पहल आप करेंगे तो आपको फायदा होगा तथा दूसरों की मदद करने से भी आपको फायदा होगा। कुछ लोग आपको जो है अपना विशेष विश्वास पात्र हासिल करने का प्रयास करेंगे और आपकी ओर आकर्षित होंगे। कुछ पुराने दोस्तों से आपकी चर्चा होगी, पुरानी यादें भी आपकी ताज़ा हो जाएगी। कामकाज के सिलसिले में कुछ विशेष चर्चा होने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में यदि आप दूध से बनी कोई भी वस्तु का भोग लगाते हैं या फिर मीठे दूध का भोग लगाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। लोगों से मुलाकातें और चर्चा होगी, टेंशन दूर हो जाएगी, आप थोड़े हाजिर जवाब रहेंगे, आसानी से लोगों को अपनी राय से सहमत करवा लेंगे। कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। दिन बहुत अच्छा है। बहुत से लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आप लगभग हर कोशिश में सफल हो जाएंगे। अपने दायरे के लोगों पर आपका सम्मान बढ़ेगा। मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। आमदनी बढ़ाने के कुछ अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। पैसों के मामलों में आपको व्यावहारिक रहना होगा। किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग व्यक्ति से आपको सलाह मिलेगी और उनका आशीर्वाद तथा उनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में यदि आप बादाम खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। तरक्की के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। उनसे जुड़ने और समझने में जरा भी देर न करें। आप इसका सही उपयोग कर सकेंगे तो वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। संचार के साधनों से आपको फायदा होगा। कार्य क्षेत्र में एक नयापन आपको महसूस होगा। नए विचारों के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। उपाय के रूप में यदि आप माँ दुर्गा को हल्दी चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कुछ खास लोगों के माध्यम से आपके खास काम बनने वाले हैं। भाइयों तथा दोस्तों से भी आपको फायदा होगा। पुराना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नए अवसर लोग विचार आपके सामने आते जाएंगे, उन्हें खुले मन से स्वीकार करते जाए। और किसी विशेष व्यक्ति से आपकी चर्चा हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा फैसला लेने का अवसर आपको मिल सकता है। पैसों की स्थिति में सुधार लाने के नए अवसर भी मिलेंगे। और उपाय के रूप में काले तिल यदि आप शंकर भगवान को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा, आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। योजना बनाने और फैसले लेने का दिन है। मीठा बोलकर अपने सभी काम आप पूरा करवा सकते हैं। दोस्त प्रेमी और रिश्तेदारों के साथ कोई मामला है तो वह सिर्फ आपके कारण सुलझ जाएगा। आप सिर्फ अपने जरूरी कामों पर ध्यान दें और बाकी काम अपने सामने से हटा देवे। और कुछ मामलों में आपकी तारीफ होगी। रिश्तेदारों की कोई पुरानी परेशानी चल रही है तो वह भी आपके माध्यम से सुलझ जाएगी।
थोड़ा समझौता करने का मन बना करके आपको रखना चाहिए। नए लोगों से आपका संपर्क होगा, कार्यक्षेत्र में उन्नति तथा प्रगति होगी। सुगंधित इत्र लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पुराने कामों से फायदा होगा। कैरियर के मामले में कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जिनसे आगे बढ़ने की आपकी कोशिश रहेगी। आप जो भी करें सकारात्मक मन से करें। कोई बड़ा फैसला लेने का आप विचार कर सकते हैं। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह भी आपको प्राप्त होगी और कुछ नयापन आपको कार्यक्षेत्र में महसूस होगा। गणेश जी को यदि आप धनिया चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।